पर्यटकों पर प्रशासन सख्त, लेकिन पर्यटक है कि मान ही नहीं रहे। जिला कुल्लू में व्यास नदी के किनारों से पर्यटकों को दूर रखने के लिए प्रशासन के द्वारा जहां वार्डबंदी भी की जा रही है, तो वहीं जगह जगह पुलिस बल भी तैनात किया गया है, लेकिन पर्यटक है कि इतने निर्देशों के बाद भी मान ही नहीं रहे हैं। व्यू, वही व्यास नदी की धारा में अटखेलियां करते पर्यटकों के साथ हादसा होने का खतरा भी बढ़ गया है। बीते दिनों भी जिला प्रशासन ने सैलानियों से आग्रह किया था कि वह सरकार के द्वारा जारी नियमों का पालन करें, लेकिन इस बात का पर्यटकों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते रामशिला में व्यास नदी के किनारे पर अटक अपने छोटे बच्चों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं और यह अटखेलियां कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा बीते दिनों की निर्देश दिए गए थे, लेकिन कुल्लू घूमने आए सरकारी आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। प्रशासन ने हालांकि आजीविका से जुड़ी साहसिक गतिविधियों के लिए बाकायदा अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन बिना अनुमति के इस प्रकार की गतिविधियां करने पर अथवा नदी नालों के तेज बहाव के समीप जाने पर ही पुलिस अधिनियम की धारा -115 के तहत 8 दिन तक की कैद अथवा ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। कुल्लू जिला में बाहरी राज्यों से भारी संख्या में आ रहे सैलानी बजौरा से सोनलग नाला, गुंतर से मणिकर्ण तथा बंजार तहसील की तीर्थन नदी के कुछ भागों में फोटो व सेल्फी लेने के लिए नदियों के समीप उतर रहे हैं। इसके अलावा कुछ होटल व रेस्तरा मालिकों ने भी नदियों के किनारों पर बाहर बैठने के स्थल तथा ओपन एयर कैफे स्थापित किए हैं, जो जल स्तर में अकस्मात वृद्धि की स्थिति में जान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में समय समय पर एडवाइजरी जारी करने के बावजूद लोग अनावश्यक रूप से नदियों के उच्च बहाव वाले स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि बरसात का मौसम आ रहा है और इन दिनों नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी होने की लगातार संभावना बनी रहती है। ऐसे में नदी के समीप जाने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। पुलिस प्रशासन को भी इन मामलों को गंभीरता पूर्वक लेते हुए उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने को कहा है। मणिकर्ण घाटी में बाहरी राज्यों के कई पर्यटक पार्वती नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में हादसे का शिकार हो चुके हैं, तो वहीं कई पर्यटकों के शव अभी तक भी पार्वती नदी से बरामद नहीं हो पाए हैं। जैसे अब मॉनसून सीजन चल रहा है और रेन्स एक्सपेक्टेड हैं, तो इस दौरान जितने भी हमें हमारे नदी नाले और खड़े हैं, बल्कि पहले भी यहाँ पे हम लोग नोटिस करते आए हैं कि हर साल कोई ना कोई टूरिस्ट रिलेटेड दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसमें टूरिस्ट की ड्राउनिंग से जो है यहाँ पे मौत हुई है। तो इस चीज़ को लेकर हमने ये ऑर्डर्स निकाले हैं कि जितने भी हमारे नदी नाले हैं या खड़े हैं, उनमें रिवर बेड की ओर कोई भी टूरिस्ट अनावश्यक नहीं जाएंगे। और अगर कहीं पे इन ऑर्डर्स की भी वायलेशन पाई जाती है, HFL के अंदर अगर टूरिस्ट बिना किसी कारण या किसी परमिसिबल एक्टिविटी के बगैर अगर उसमें वेंचर करते हैं, तो इसमें भी हमने ये ऑर्डर्स किए हैं कि पुलिस एक्ट के तहत उनका चालान कर सकती है और उनको 1,000 से 5,000 तक का जुर्माना हो सकता है और 8 दिन तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉट्स जो पास में आइडेंटिफाई करे गए थे, उनमें वहाँ कुछ जगह पे फेंसिंग भी कर। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।